अगर आपकी कोई और समस्या चल रही है, आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी चल रही है, जैसे कि ये मंत्र ज़्यादातर रिलेशनशिप के ऊपर काम करता है, तो अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई रिश्तेदारी है या ऐसा कोई रिलेशन है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन अचूक उपाय, जिसमें आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना आसान है कि आप अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं, आप अपने किसी भी प्रेमी प्रेमिका रूठे हुए प्रेमी को वापस अपने ज़िंदगी में ला सकते हैं, या फिर अगर आपकी कोई और समस्या चल रही है, आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी चल रही है, जैसे कि ये मंत्र ज़्यादातर रिलेशनशिप के ऊपर काम करता है, तो अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई रिश्तेदारी है या ऐसा कोई रिलेशन है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, और इसकी वजह है मनमुटाव, आपस में मनमुटाव, आपस में जो एक तरह से भाव आ जाता है जिसमें हम एक दूसरे से समझना बंद कर देते हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे के बीच में गलत फहमी आ जाती है, उसे दूर करने का उपाय आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, स्वच्छ मन से रात्रि के समय जब आप सोने जा रहे हो अपने बेड पर, बल्कि उसके बाद आपको और कुछ नहीं करना है, सोने से ठीक पहले आपको ये उपाय करना है दोस्तों, याद रखें। इसके बाद आपको कुछ और नहीं करना है, इसके बाद आपको सिर्फ सोना है। तो सोने से पहले आप जो भी काम करने चाहते हैं वो सब कर लीजिए, जब आप अंत में बिस्तर पर सोने जा रहे होंगे तब आपको ये उपाय करना होगा। दोस्तों ये है एक ऐसा उपाय जिसमें आपको बस क्या करना है कि अपने बेड पर लेट जाना है और उसके बाद अपने दिल पर हाथ रखना है, अपने दिल पर आपको सीधा हाथ रखना है इस तरह से, और उसके बाद आपको उस व्यक्ति का स्मरण करना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, चाहते हैं कि वो आपकी हर बात को समझ जाए, चाहते हैं कि वो आपसे फिर से वापस प्यार करने लग जाए, तो आपको ये उपाय करना होगा। और आपको क्या करना होगा, आपको एक मंत्र का उच्चारण करना होगा। मंत्र जो है वो भी बहुत आसान है, आपको उस मंत्र का उच्चारण करने से वो व्यक्ति तुरंत आपके जीवन में आ जाएगा और आपकी जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, तो मंत्र है ओम वशम वशीभूत ओम नमः स्वाहा। जी हाँ, इस मंत्र को आपको उच्चारण करना है और सिर्फ आपको इसे बोलना है 21 बार, ओम वशम ओम वशीभूते ओम नमः स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है, आप इसे करेंगे 21 बार और इस तरह से आपको करना है ये पूरे 41 दिनों तक। जी हाँ दोस्तों, 41 दिनों तक, यानी कि आपको कैलेंडर में मार्क कर लेना है, 41 दिनों तक आप इसे करेंगे, बीच में ही मतलब 8 दिन में या 7 दिन में तभी आपका कार्य होने लग जाएगा, आपकी जो समस्या है वो सॉल्व होने लग जाएगी, लेकिन आपको इसे पूरा 41 दिनों तक करना है दोस्तों। कैलेंडर में कहीं पर भी मार्क कर लें, कैलेंडर में निशान लगा लें मोबाइल में, या तो फिर आप कुछ भी ऐसा अलार्म लगा लें जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको रोज़ एक समय पर इसे करना है, और 21 बार करने में आपके मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेंगे, तो आप इसे कर लीजिए और देखिए आपका काम जो है वो बन जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में देंगे आपको कोई नई जानकारी। अगर कोई आपका सवाल है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।